गंगागंज बाजार में शुक्रवार को जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने बाजार के कई दुकानों पर छापेमारी की है। दुर्गागंज बाजार में मौजूद मिठाई की दुकानों पर पुलिस की मौजूदगी में जिला प्रशासन ने छापा मारकर पनीर, खोआ, पेड़ा, बर्फी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। जांच अधिकारियों ने बताया कि शिकायत मिलने पर ये कार्रवाई की जाती है और जांच में दोषी पाए जाने वाले दुकानों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बाजार में छापेमारी से दुर्गागंज बाजार में खलबली मच गई थी। अब तस्वीरों में देख सकते हैं, दुर्गागंज बाजार के एक रेस्टोरेंट पर खाद्य विभाग की टीम पहुंची हुई है। जांच टीम के अधिकारी आयुक्त खाद्य चंदन पांडे और एएम त्रिपाठी ने पुलिस टीम की मौजूदगी में छापेमारी की है। दुर्गागंज बाजार के कृष्णा स्वीट हाउस रेस्टोरेंट और डीलक्स मिष्ठान भंडार सहित कई दुकानों पर छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने बर्फी, पेड़ा, खोआ, पनीर जैसे 17 नमूनों को लेकर जांच के लिए आगरा भेजा है। दुर्गागंज बाजार में शुक्रवार को जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देश पर हुए इस कार्रवाई से बाजार में खलबली मची रही। इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मानवेंद्र सिंह, ओम प्रकाश पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे।